हेलो, काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि SBI PO और SBI क्लर्क के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं जो कि प्रॉपर कहीं ना कहीं टारगेट करेगा SBI PO को या क्लर्क को, लेकिन ओवरऑल सारे बैंकिंग के पेपर के लिए काम का है। तो हम लोग कुछ कॉमन चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे जो पेपर में आता है, और ये जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग कैसे कवर करें, मतलब मैक्सिमम स्कोर कैसे यहाँ से निकाला जा सके। और ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बैंकिंग के प्रिपरेशन में मेंस में अगर कुछ है तो वो जनरल अवेयरनेस ही है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेक्शन फाइनल मेरिट में नाम आना ना, वो कहीं ना कहीं GA के पेपर डिपेंड करता है। आज जिस हिसाब से हमारा पेपर टफ होता जा रहा हुआ है, खासकर बैंकिंग का पेपर, मेंस का पेपर टफ हो रहा है, उसमें से जो इजी पार्ट है जहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं ना, वो एकमात्र GA बच गया हुआ है। क्योंकि पहले कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अब कंप्यूटर सिलेबस से बाहर है, यानी कि पूरा डिपेंडेंसी सिलेक्शन का कहीं ना कहीं GA के ऊपर में आ गया। इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, और हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एक तरीके से कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो करना है, कौन से ऐप्स एटलीस्ट होने चाहिए, कौन सा न्यूज़ चैनल या क्या यूट्यूब पे फोकस करना है, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखना ना कि पेपर में जो मेंस का पेपर होता है ना, 200 नंबर का होता है, उसमें से GA 40 नंबर का, ठीक है, 40 मार्क्स GA का, SBI PO का 16 का, 2016 कट ऑफ जो है वो है 70 out of 200 रिटर्न में, 70 नंबर 200 में से, और PO 2017 में 50, ये ओवरऑल कट ऑफ था, ठीक है। SBI PO 2017 का ओवरऑल कट ऑफ था 50 नंबर। अब उस 50 नंबर के कट ऑफ में GA का कितना इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल है, ये मेरे हिसाब से बोलने की बात ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ्स में जीरो स्कोर किए, अदर सब्जेक्ट में जीरो स्कोर किए हुए, ऐसा आप लोग भी देख चुके होंगे कि जीरो स्कोर के बावजूद SBI PO में सिलेक्शन हुआ है लोगों का, क्योंकि कोई भी कट ऑफ नहीं रखा गया था। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है SBI क्लर्क में कि उन्होंने प्री में कट ऑफ को हटा दिया, और कट ऑफ को हटा के उन्होंने बोला कि मेरिट बनाएंगे हम, सिंपल जितने लोग हैं उसका 15 टाइम 10 टाइम इस तरह से लेकर के चलेंगे। तो वो इसलिए से लेकर चल रहे हैं कि कट ऑफ का झंझट टला रो, क्योंकि पेपर टफ कर रहे हैं, कट ऑफ जीरो जा रहा, लोग केस कर रहे हैं, कंप्लेंस कर रहे हैं, तो उस झंझट ही हटा दिया गया। अब आप सोचिए कि 50 नंबर मेरा पूरा कट ऑफ है, मैथ्स इतना टफ है, रीजनिंग इतना टफ है, इंग्लिश इतना टफ है कि लोग स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन GA उसके कंपेरिजन में काफ़ी ईजी आया था और लोग एवरेज 25 से 30 के बीच में स्कोर ला पाए, खासकर वो लोग जो सेलेक्टेड है। तो 50 में से ओवरऑल 50 में से अगर आपका 25 नंबर या उससे ज़्यादा केवल GA में ही आ गया, तो बाकी सब में अगर आप 7-8 नंबर भी लेकर के आते ना, शायद आप SBI PO बन जाते। जो लोग 2017 में बाहर हो गए उनको अफसोस होता होगा। तो यही चीज़ 2018 में नहीं रिपीट करना है, GA को अभी से अच्छा करना है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आप ओवरऑल कट ऑफ का आधार आ सकते हो। IBPS PO में भी सेम सिचुएशन है, कट ऑफ काफ़ी कम है, और उसमें से GA का पेपर का लेवल हमेशा सेम होता है। तो अगर हम आधा नंबर वहाँ से निकालें ना, 50% मार्क्स ऑफ दी ओवरऑल कट ऑफ ले आए, तो फिर सिलेक्शन मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। GA का कट ऑफ ऑन एन एवरेज 7 to 10 होता है। कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोगों का ये भी नहीं आ पाता, कट ऑफ भी मिस करते हैं GA में बहुत लोग, मैथ रीजनिंग में स्ट्रांग होते हैं, GA में वीक होते हैं। तो उनके लिए भी डिस्कस करेंगे क्या आखिर करना है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, ये तो आप समझ सकते हैं। एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि GA को ना हर दिन पढ़िए। बहुत लोगों का हमने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो GA को एंडी के लिए रखते हैं कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग GA करेंगे। नहीं, उससे फिर आप पूरा सिलेक्शन ख़त्म कर दोगे अपना। GA को हर दिन पढ़ना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि उसी को पढ़ना शुरू करें। मेंस को मेजर 80% टाइम प्रीलिम्स को दीजिए और 20% टाइम आप दीजिए GA को, ठीक है। तभी आप इंडियन में जाके जब आप मेंस देने जाओगे तो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा कि प्री दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मेरे को 20 दिन का समय मिला, उसमें हमको GA पढ़ना है, कुछ नहीं हो पाएगा, प्रेशर भी होगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा 4 पन्ना 5 पन्ना करके पढ़िए, 2-3 साइट्स को फॉलो करिए, कौन कौन सा वो करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, पैटर्न हमारा क्या होता है ना, ये पैटर्न बहुत समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे एक रफ हमने सिनेरियो बनाया है कि करंट अफेयर्स जो होता है ना, वो लगभग 20 से 25 मार्क्स का करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, 20 से 25, आधा आधा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है। बैंकिंग अवेयरनेस 7 से 10, स्ट्रैटेजी 10 से 12 नंबर के आसपास में, या कभी कभी प्लस माइनस तो सब में होना ही होना है। तो अब ये देखा ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है मेरे को, करंट अफेयर्स।
ये करंट अफेयर्स भी जो आता है वो कितना, वो 3 से 4 महीने का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप प्रॉपर ये मान के चल सकते हो कि हमको एग्जामिनेशन के 100 डेज पहले का पूरा करंट अफेयर्स कर लेना चाहिए। इसमें भी करंट अफेयर्स में स्पेशली क्या क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। ये बैंकिंग गवर्नेंस, अब देखिए एक चीज़ क्या है कि बैंकिंग गवर्नेंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, या इकोनॉमिक्स को हमने लिख दिया एक ही बात है, 7 से 10 क्वेश्चन ही दिख रहा है, पर मेरे को समझने वाली क्या बात है कि ये 7 से 10 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और हम बना पाते हैं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप हल्के में ना लीजिए कि चलो उसका 7-8 क्वेश्चन है छोड़ देते, नहीं, वही 2-2 मार्क्स आपको सिलेक्शन से रोक रहा है हर बार, तो ये भी नहीं छोड़ना नहीं है, सबको करना है। स्ट्रैटेजी के सबसे ईजी पार्ट है, सबसे ईजी पार्ट है, इसको आप पढ़ते चलिए, आप हर पेपर बाई पेपर, एग्जाम बाई एग्जाम आप खुद को स्ट्रांग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि स्टैटिक जीके को भी छोड़ना नहीं है, इसको तो ज़्यादा एफर्ट लगा के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए बस यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग को देख लेना कि क्या क्या टॉपिक करना, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते चलिए। करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे ना तो एक तो सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये छोड़ दो वो कर दो, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट क्या मेरे को करना है कि इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई, जैसे बजट आ गया हमारा, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, कोई नया बिल आ गया, जैसे FIDA बिल था, कोई नया संशोधन आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कुछ भी चेंजेस पार्लियामेंट लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, मेरे बैंकिंग के पेपर के लिए वो काम का हो गया। नेशनल अवार्ड्स ऑनर्स, ऐसी बात है, पद्मश्री वगैरह मिला, किनको मिला, क्यों मिला, जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, क्यों मिला, किसको मिला, कब मिला, तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कभी कोई पार्टिकुलर आदमी को हमने अवार्ड दिया, वो किस स्टेट का आदमी है, वो किस फील्ड के लिए हमने उसको दिया, ये सवाल आपको पेपर में मिलता होगा। इंटरनेशनल अवार्ड भी साथ साथ में, जैसे मैन बुकर प्राइज़ बहुत बार पूछते हैं, नोबेल प्राइज़ पूछते हैं, ये सब पूछते हैं, आपको पढ़ना होगा। बुक्स एंड ऑथर भी, ये दोनों में आएगा, करंट अफेयर्स में भी आएगा, स्टैटिक के पार्ट में भी आएगा। समिट एंटिटीज बहुत कॉमन है, हमारी भारत की जो मंत्रालय उसमें से कोई आदमी कहीं चला गया तो कहाँ गया, क्यों गया, दो देश आपस में मीटिंग करते तो क्या कंक्लूजन निकला, MOU साइन होता है तो क्यों साइन हुआ, किस टॉपिक पे साइन हुआ, ये सब सवाल जेन्युइन पेपर में दिखता है। अगेन वही इंडियन इकोनॉमी जो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम स्कीम से तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, ये एकदम फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बैंक में जाके अल्टीमेटली आपको उस पर ही काम करना, और खासकर बैंकिंग और इकोनॉमी से जुड़ी स्कीम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स, चलो कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई समिट वगैरह तो उधर भी क्लियर हो गया, कुछ भी इंटरनल अफेयर्स में जैसे सब कुछ जोड़ सकते हैं ना, अवार्ड्स मिलना, ये कहीं PM चेंज हो गया, कहीं का प्रेसिडेंट चेंज हो गया, वो सब दिमाग में आना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स ये बहुत फेवरेट है, क्वेश्चन बहुत सारा आता है यहाँ से स्पोर्ट्स वाले से, ठीक है, खासकर Formula 1 के ऊपर में, टेनिस के ऊपर में, फुटबॉल के ऊपर में, और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, कि ये हुआ, कहाँ हुआ, वो बताओ, कब होने वाला है, जैसे अभी 2018 हो गया ना, तो जनवरी फरवरी तो पार हो गया हमारा, जून जुलाई में जो इवेंट्स होंगे ना, पूछ देंगे कि ये इवेंट होना है तो किस स्टेट में होना है, या भारत का रहा तो स्टेट, बाहर का रहा तो किस कंट्री में पूछेंगे, ऐसा सवाल करते हैं। पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई हमारे डिपार्टमेंट है, कोई मिनिस्ट्री है, वहाँ पे कोई नया मिनिस्टर आ गया तो पूछ सकते हैं, कहीं का कोई चेयरमैन चेंज हो गया तो पूछ सकते हैं, ये सब पूछते हैं। और बैंकिंग अगेन, ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं इसको लेकर के, कि बैंकिंग में कोई चेंजेज आ गया, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक बैंक PCA के अंदर चली जा रही है, बैंक में काफ़ी चेंजेज आ रहा है, तो वो क्या चेंजेज है, करंट अफेयर्स के हम फोकसते हैं एटलीस्ट इतना। लेकिन और भी आपको जो मिले ना सब पढ़ते चलिए, जो भी मिले करंट अफेयर्स के फॉर्म में, हर दिन का बहुत से बहुत ना 10 से 15 क्वेश्चन निकलता है, हर दिन का 10 से 15, 100 दिन का 1500 से 2000 क्वेश्चन मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब वही 2000 क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट करके बैठेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्यों ना पढ़ें फिर हम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना होगा आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने स्ट्रैटेजी का टॉपिक रहेगा, ठीक है, सॉरी करंट अफेयर्स हमने देखा, ये बैंकिंग का अवेयरनेस का टॉपिक है, ठीक है, इसमें भी टॉपिक देखेंगे। बैंकिंग के टर्म्स हो गए, एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 तो पक्का आता है, एटलीस्ट 2 आएगा निश्चित, ये 2 एब्रीवेशन आना ही आना है। RBI के बारे में, इसके फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, सेम चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के बारे में, ठीक है, जैसे हमारे पास PFRDA है, SEBI है, इस तरीके जितने भी अगर RBI तो खुद भी रेगुलेटर है, जितने भी रेगुलेटर्स है एटलीस्ट उनके बारे में याद रखिएगा। बहुत फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, जैसे हमारे BSE है, NSE है, इस सब पे सवाल कभी कभी करते हैं, और भी बहुत इंटरनेशनली पूछते हैं,
नेशनल इनकम ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हुआ पर पेपर में बन जाता है। वर्ल्ड फाइनेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे क्वेश्चन हमेशा, एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से, उसके हेड के बारे में पूछेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IBRD के बारे में, इधर उधर बहुत कुछ सवाल बनाते हैं वो लोग। अगेन रिसेंट बैंकिंग अपडेट्स तो इस करंट में भी कवर करेंगे, इधर भी कवर करेंगे। हुज़ हू ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी, किसी बैंक का चेयरमैन कोई चेंज हो गया, कोई नया, उसने कुछ नया सिस्टम डेवलप कर दिया, कोई चेयरमैन तो अभी हमने डिस्कस किया, कोई नया पर्सनालिटी आ गया उसके अंदर में, इधर उधर कोई शफलिंग कर दी तो पूछ देते हैं। RBI में डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उसको चेंज कर दिया, सवाल बना देते हैं। ठीक है, कोई कभी गवर्नमेंट कोई कमेटी बना दी जो पर्टिकुलर बैंकिंग फोकस करेगी तो सवाल कर देते हैं, तो वो सब याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ भी हो गई चीज़, ठीक है। अगेन एटलीस्ट इतना टॉपिक, इसके अलावा आपको जो मिलता जाए प्रिपरेशन के दौरान आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए स्टैटिक जीके में काफ़ी टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस पे कोई मार्किंग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप क्या करिए, एक चीज़ क्या करिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक का ना, 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आना है और आपको रटना है इसको, कुछ करना नहीं, समझने जैसा कुछ है नहीं, रटना है। जितना रटते जाएंगे आप उतना मैक्सिमम स्कोर करेंगे, इवन आप 10 का 10, 12 का 12 बना सकते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए ना, इन सब को लिख लीजिए कॉपी में, और उसके बाद एक एक करके आप नेट से मटेरियल्स को जमा करना, एकदम साफ सुथरा कॉपी में, और ख़ुद से बनाना शुरू करिए। लिखती है उसको साफ पेन से, साफ हैंड राइटिंग में, और उसको बार 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 रिवाइज करिए। इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है ना उसको टिक लगाएंगे, ये कंट्री कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल अमेंडमेंट नहीं, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए दिमाग में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ, पावर प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैंक टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डैम ऑन रिवर, सिटीजन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर ट्रिब्यूटरीज उतना काम करनी है, डेज बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेडियम इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड फील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंडियन स्टेट फेमस क्वेश्चन डेफिनेट है, स्टेट फेस्टिवल पे आ सकता है, इस बार पेपर में क्वेश्चन आया है, RRBPO IBPSPO दोनों में आया है, डेजर्ट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, माउंटेन पासेस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिकली फॉर बैंकिंग, ओशियन ट्रेंचेज नहीं, लेक प्लेस इंपॉर्टेंस ये काम का है, हिस्ट्री डेट्स नहीं, स्टेज बाई क्रॉप मिनरल प्रोडक्शन नहीं, टेम्पल्स मॉस्क इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट नहीं, केव्स वैली बिल्कुल नहीं, छोड़ सकते हैं, वाटर फॉल्स इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, कंट्री पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, रैंक्स करंट अफेयर्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज उतना काम करें। तो एटलीस्ट जिसको हमने मार्क किया ना पहले इसको करिए, बाकी सबको छोड़ सकते हैं, करने की इच्छा करिए, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं कौन से बुक को फॉलो किया जाए खासकर बैंकिंग के लिए। तो एक बुक है ना, ये NT सोमशेखर की बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से इन्होंने जनरल अवेयरनेस को और बैंकिंग अवेयरनेस को कवरअप किया है। बैंकिंग के लिए आप इसको फॉलो करिए, अगर आप SBI जैसे पेपर को टारगेट करें, ठीक है, पर्टिकुलर SBI इससे तो होगा, लेकिन आपको इसको भी साथ में लेना होगा, क्योंकि SBI में मेरे पास में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर आता है, दूसरा GDP आता है और PI भी आता है हमारे। तो GDPI में जब आपसे इंटरव्यू सवाल करता है ना, खासकर स्टेट बैंक के लेवल के लिए, तो वहाँ से वो लोग इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, गवर्नमेंट की बहुत सी एक्टिविटीज़ में, जैसा कि आप जानते होंगे 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स है स्टेट बैंक के पास, मतलब भारत का हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर जितनी भी सोशल सर्विस वाली स्कीम आती है ना, सोशल सेक्टर की स्कीम जो बेसिकली कह सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने में स्टेट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो जब स्टेट बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर जब नए ऑफिसर्स को चुनते हैं, PO को चुनते हैं, तो वो देखते हैं कि उनको इकोनॉमी की कितनी समझ है, नहीं है, वो कितना हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि काम जितना भी ये सोशल सेक्टर वाला है ना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या ये जितनी भी बहुत सारा नाम है लेना क्या, कि जिसमें कॉमन गरीब आदमी जुड़ता है ना, उसको कैसे टैकल करेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। आप जाओगे आपको लगेगा कि मैं इस आदमी को लोन दे रहा हूँ, मेरे को डेफिनेटली पता ये रिटर्न नहीं करेगा, सॉरी, फिर भी हमको वहाँ पे वो करना पड़ता, तो क्यों करना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट का हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी वाली को, ठीक है, संजीव वर्मा की किताब है, संजीव वर्मा राइटर है इसके, इसको आप परचेज करो। SBI PO के लिए जो कर रहे हैं, अगर ये इस वीडियो को कोई IBPS PO के लिए, तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग इंटरव्यू में बहुत सिंपल रखते हैं IBPS PO में, लेकिन SBI PO में जो सबसे इम्पॉर्टेंट
की पॉइंट है ना वो आपके इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू में सामने वाले को कन्विंस कर पाएँ, आप सिलेक्शन 100% मान के चलिए, इवन आपका मेंस में स्कोर कट ऑफ ही हो एग्जैक्ट ना, फिर भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि सामने वाला कन्विंस तो हो। तो इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िए, संजीव वर्मा। अब यहाँ हमने चार वेबसाइट के बारे में लिखा है। पहले बात क्या कि ये हम इन चारों का ना कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हुए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, एटलीस्ट इनको तो आप फॉलो करिए ही करिए। अफेयर्स क्लाउड और जी के टूडे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे से लोग कंटेंट को मेंटेन करते हैं, खासकर करंट अफेयर्स के लिए। बिल्कुल आप आँख बंद करके मेरी गारंटी पे इनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। हिटबुलसाई और एस्पिरेंट जोन, ये दोनों ने स्टैटिक के लिए बहुत अच्छे साइट्स हैं, ठीक है, पर्सनली मैंने भी फॉलो किया है, जितने भी लोग उनको भी सजेस्ट करता हूँ। हिटबुलसाई और एस्पिरेंट जोन, ये दोनों आपको स्टैटिक के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अफेयर क्लाउड जीके टुडे पे आपको करंट अफेयर्स के लिए कंटेंट, तो दोनों के लिए तो मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। उस हिसाब बैंकिंग अवेयरनेस का मटेरियल चारों पे मिलेगा आपको, ठीक है, तो डेडिकेटेड साइट्स हैं, डे हर दिन काम करते हैं, बहुत अच्छी साइट्स हैं, ठीक है, आप इनको फॉलो करिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सिमिलरली आज का ज़माना है ऐप्स का, एंड्रॉयड मोबाइल्स का, तो कुछ मैंडेटरी ऐप्स है ना जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि ये सब रखते होंगे, अगेन कुछ को जो होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन तैयारी, ये भी बहुत अच्छी एक ऐप है, एक वेबसाइट भी है जो कि सारे जगह से चीज़ों को ना कंपाइल करके मेरे सामने रखती है। तो आप अगर ऑनलाइन तैयारी को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारा कंटेंट आपके पास में आ जाएगा। PIB ये गवर्नमेंट की एक हैंड है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे सामने रखने के लिए PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी के लिए आप इसको फॉलो करेंगे। ग्रिड अप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल चीज़ मिलती है, करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, बैंकिंग की सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा कंटेंट मेंटेन करते हैं, इनको भी फॉलो करिए। द हिंदू ऐप तो अल्टीमेट है, नो डिस्कशन अबाउट दिस। यूट्यूब, आज का ज़माना तो यूट्यूब का भी है, तो इधर पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे ये हमने एक इंग्लिश के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि राज्यसभा TV कितना इंपॉर्टेंट हो गया है उनके लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं खासकर सिविल सर्विसेज के लिए, SSC के लिए, बैंक्स के लिए, SBI PU RBI के लिए, उनके लिए तो ये बहुत काइंड ऑफ मैंडेटरी हो चुका हुआ, तो इसको तो करना ही है, आपको भी करना है। जो लोग SBI PU इनको इंटरव्यू में बोलना है ना, बोलने के लिए चीज़ें चाहिए, तो चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। राज्यसभा को तो सबसे पहले फॉलो करिए। Unacademy इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट रखती है अलग अलग चीज़ों के लिए, इनको सुनिए, पढ़िए, देखिए, अच्छा काम करते हैं। Study YQ करंट अफेयर्स के लिए अच्छा काम करते हैं ये लोग भी, इनको भी फॉलो करिए। महेंद्राज, बैंकर्स अड्डा, दो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सारा कंटेंट एक अच्छे लेवल का बनाती है, समय है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। चलिए तो क्लोज करते इस वीडियो को, होपफुली आपको हेल्प जरूर मिला होगा कुछ ना कुछ, जो भी आपके क्वेश्चन हैं ना आप क्वेरी में डालो, हम लोग उसको समय रहते जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।